हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम हैशटैग BCBSKV क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता है, और सर्कल को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो क्वाड्रिलेटरल की साइड है उन पर सर्कल टच होता है। और हमसे कहा गया है इसमें कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करती हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है, तो चलिए गिवन से स्टार्ट करती हैं। गिवन में हमारे पास है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव में प्रूव करेंगे। और जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका ए ओ बी और सी ओ डी ये वाले दोनों एंगल इक्वल है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री। और इन दोनों का सम कितना होगा? ये वाले जो हमारे पास ये वाले दो हैं इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक तो हमें प्रूफ करना है AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है? AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करने हैं। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में एक काम करते हैं, जॉइन, क्या जॉइन कर लेते हैं? पहले इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ नेम दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये है, ये है और ये है, फोर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो मैं इसे नेम दे देती हूँ PQRS, और OP को जॉइन कर लेते हैं, OQ, OR और OS को जॉइन कर लेते हैं। इन सबको मैंने जॉइन कर लिया है, तो मैं लिख लेती हूँ जॉइन क्या क्या करा है, OP, OQ, OR एंड OS। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका, इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम ट्राइंगल को कुछ नेम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि SOD, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको ट्राइंगल को नेम दे देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ। इन ट्राइंगल, एंगल 1 है ना हमारे पास SOD में, पहले तो लिख लेते हैं कौन कौन से ट्राइंगल ये SOD और DOR, तो हम लिख लेंगे एंड ट्राइंगल ROD, बात एक ही होती है। इनमें कॉमन क्या है? सबसे पहले देखेंगे कॉमन है OD, तो मैं लिख लूंगी OD इक्वल टू OD और रीजन में दे देंगे कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है? देखिए OS और OR दोनों क्या है? रेडियाई हैं, तो मैं लिख देती हूँ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए ये इक्वल हो गया, ये वाली साइड इक्वल हो गई, क्या बचा? SD और DR, तो हम लिख देंगे SD इक्वल टू RD इक्वल टेंजेंट्स। अब देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, साइड इस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। ट्राइंगल SOD कॉन्ग्रेंट हुआ किसके? ROD के, बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। देखिए एक बार जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल 1 किसके हो जाएगा? एंगल 2 के, बाय CPCT, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सिमिलरली अब देखिए हमें 1, 2 हमने इकट्ठे प्रूफ करे हैं ना, जो हमारे पास क्या है बाई CPCT क्या हो गए,
कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब देखिए 3 4 के इक्वल हो जाएगा 5 6 के, 7 8 के। हमने एक बार जब कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर दिया है तो हमें बार बार करने की नीड नहीं है, तो हम सिमिलरली करके एज इट इज ऐसे लिख देंगे। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। अब जब ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमें पता है, देखिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट एंगल बनाते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और 8 ही तो है, इक्वल टू 360, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट एंगल है। नाउ देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं टू केस है हमारे पास, एंगल एओबी प्लस सीओडी सप्लीमेंट्री करने हैं ना, यानी कि 180। एओबी कौन सा है, ये वाला, ये जो हमारे पास है, और सीओडी कौन सा है, ये वाला। तो देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 3 7 6, हमें इनकी नीड है ना, तो हम सिर्फ यही वाले एंगल लेंगे। देखिए किस किस की नीड है, एंगल 1 की नीड थी ना, तो एंगल 1 और 2 तो हमने यहाँ पे क्या करा है, इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंगल 2, एंगल 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे, एंगल 3 से, एंगल 5 को किससे रिप्लेस करेंगे, एंगल 6 से, और एंगल 7 और 8 तो इसमें से लिख लेते हैं हम एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। चॉइस ऑफ एंगल 2 चॉइस ऑफ एंगल 3 चॉइस ऑफ एंगल 6 प्लस चॉइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू में 360 डिग्री। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड आ जाएगा तो इक्वल टू के, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 आ जाएगा नीचे, 2 1 द 2 2 1 द 2 2 8 द 16, ये आ गया 180। अब देखिए 2 और 3, अब यहाँ पे आ जाएंगे वापस अपनी फिगर पे, 2 और 3 कौन सा एंगल बना रहे हैं, सी ओ डी। देखिए एंगल 6 और 7 क्या बना रहे हैं, ए ओ बी, तो मैं 2 और 3 की जगह क्या लिख सकती हूँ, तो मैं एंगल 2 और 3 की जगह लिख सकती हूँ एंगल सी ओ डी प्लस 6 और 7 की जगह एंगल ए ओ बी, ये हो गया 180 डिग्री। एक आंसर हो गया हमारा ये। नाउ आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ अब हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। ए ओ डी देखिए ए ओ डी ये वाला, ये जो डबल वाला एंगल है ना ये, और बी ओ सी ये वाला एंगल, यानी कि मुझे अभी नीड है एंगल 1 8 की और 4 5 की। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, और रीजन में हम दे देंगे कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 का। नाउ देखिए अब 1 और 2 में से हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल 1, 3 और 4 में से एंगल 4, तो मैं दोनों को 4 में चेंज कर देती हूँ, एंगल 5 और 6 में से एंगल 5, और एंगल 7 और 8 में से एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। चॉइस ऑफ एंगल 1 चॉइस ऑफ एंगल 4 चॉइस ऑफ एंगल 5 चॉइस ऑफ एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 2 कॉमन है तो फिर से कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, या फिर इसे यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया 180 डिग्री। एंगल 1 और 4 और 5 और 8, देखिए फिगर में देखिए एंगल 1 और 4, एक ये वाला हो गया एक ये वाला हो गया, और क्या था 5 और 8, एंगल 1 और 8 क्या बना रहे हैं, ए ओ डी, और हमारे पास 4 और 5 क्या बना रहे हैं,
बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी, यही प्रूफ करना था ना 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 और 8 और 4 और 5। 1 और 8 क्या बना रहे हैं? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया हैंड्स प्रूफ्ड। और इसी के साथ ये था हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।